यार मैं तो तंग आ गया हूँ। रोज नौकरी छोड़ो, रोज तलाश करो, फिर तलाश करो, जिंदगी झंझट बन के रह गई है। तो तुम फिर करना क्या चाहते हो? नौकरी नहीं करोगे तो करोगे क्या? यार मैं सोच रहा था क्यों ना हम चारों दोस्त मिलके कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर ले। हाँ लेकिन हम करेंगे क्या? कारोबार करने के लिए तो अच्छी खासी रकम की जरूरत पड़ती है, और वैसे भी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस का होना भी जरूरी है। तजर्बा तो काम शुरू करने के साथ साथ हो ही जाता है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम जो हम लोग छोटे मोटे सरमाए से शुरू कर सकते हो। ऐसा क्या काम हो सकता है? हाँ वो मैं बताता हूँ। अच्छा पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों के पास पैसे कितने हैं? लगभग 1700 रुपये होंगे। लेकिन क्यों 1700 रुपये मजाक कर रहे हो? मैं उन पैसों का जिक्र नहीं कर रहा जो तुम लोगों की जेब में पड़े हुए हैं। तो फिर तुम किन पैसों की बात कर रहे हो, क्या बोलना? देखो हर एक के पास कुछ ना कुछ सेविंग्स होती है, मेरे पास भी है, तुम लोगों के पास भी होंगी। मैं उस पैसे का जिक्र कर रहा हूँ जो तुम लोग किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे पास 3.75 लाख रुपए तो होंगे। हाँ मेरे पास भी 2.5 लाख तक तो होंगे। और मेरे पास भी 3 लाख के करीब होंगे। वेरी गुड, मेरे पास कोई 2,20,000 रुपए हैं। अब सुनो आइडिया, देखो बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स खुल गए। खुले तो हैं। इन चैनल्स को ड्रामों की जरूरत पड़ती है। प्राइवेट प्रोड्यूसर ये ड्रामे बनाते हैं और चैनल को बेचते हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यार अगर हम लोग 1-1 लाख रुपया जमा करें और कोई लॉन्ग प्ले या टेलीफिल्म बनाए, उसमें जो मुनाफा होगा वो हम सब बराबर तकसीम कर लेंगे आपस में। हाँ आइडिया तो अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ। मैं भी, और मुझे तो वैसे भी ग्लैमर वर्ल्ड में जाने का बहुत शौक है। अगर सब राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ। अगर डूबेगा तो सबका ही डूबेगा ना, 1-1 लाख रुपए। चलो इसी नए कारोबार की खुशी में आज ट्रीट मेरी तरफ से। पकाना डन है। वेटर ये रही मेरी इन्वेस्टमेंट, और ये रही मेरी, और ये मेरी। देखा आ गई ना इन्वेस्टमेंट। अब हम शुरू करेंगे अपनी टेलीफिल्म, और हमारे इदारे का नाम होगा फ्रेंड्स प्रोडक्शन। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस टेलीफिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा, हीरो हीरोइन कौन होंगे, और स्क्रिप्ट कौन लिखेगा? तुमने तो एक ही सांस में सारे के सारे सवाल पूछ डाले। अब एक एक करके सुनो। देखो तुम्हें मैनेजमेंट का तजर्बा है, तुम होगी इस ड्रामे की प्रोड्यूसर। तमाम चीज़ों को मैनेज करना, इनको अरेंज करना, ये होगी तुम्हारी जिम्मेदारी। रहा सलमान, तो वो इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिखेगा। और कायनात तुम होगी इस फिल्म की हीरोइन। हीरो उसके लिए हम कोई रेगुलर एक्टर ले लेंगे, क्यों? लेकिन डायरेक्टर? ऑफ कोर्स मैं होऊंगा, डायरेक्शन मैं करूंगा। कॉलेज के जमाने में भी सारे ड्रामे मैं ही डायरेक्ट किया करता था। सॉरी यार स्क्रिप्ट किसी प्रोफेशनल राइटर से लिखवा लो, ये मेरे बस का काम नहीं है। जैसे हम लोगों को पता ही नहीं है, कॉलेज के जमाने में भी सारे स्क्रिप्ट तुम ही लिखा करते थे, और अब भी तुम ही लिखोगे। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है यार, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने हैं। लेकिन तुम लोगों ने मुझे हीरोइन बनाने का क्यों सोचा? ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उरूज मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, और इनफैक्ट मैं भी ये बात तस्लीम करती हूँ। तो मेरे ख्याल से तो हीरोइन उरूज को होना चाहिए। जी नहीं, उरूज को सिर्फ शौक है मीडिया का। तुमने सलमान और मेरी तरह कॉलेज के ड्रामों में एक्टिंग किया, तुम्हें तजर्बा है उस चीज का। मैंने इसीलिए ये फैसला किया है।
हाँ, अगर तुम नहीं करना चाहती तो फिर हम किसी और लड़की से करवा लेते। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी।